hello students welcome back to your chemistry class I hope by now you must be familiar with the topic equilibrium and we will continue the same with the subtopic law of mass action this law gives you the expression for the rate of reaction upkepas rate of reaction reaction is given as a a plus b these are the reactants to form the products this small a denotes the number of molecules of reactant a.

का uh, एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे रेट रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ रिएक्शन एज टू एस ओ टू प्लस ओ टू टू एस थ्री राइट इस रिएक्शन का अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आर ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेस टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब एसओ टू के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दो हैं ऑक्सीजन का एक ही है तो इसलिए हमने पावर में कुछ नहीं लगाया तो दिस गिव्स यू द नंबर सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कॉन्स्टेंट यूज किया है के एंड रिमेंबर कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप स्क्वाट यूज करते हैं आपके पास कंसनट्रेशन मोल पर लीटर में होगी और उसे आप इसोट करते हैं इसका मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी राइट तो बायिंग द लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास एक दूसरा लॉ आया लॉ ऑफ केमिकल इक्वलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्वलिब्रियम से हमारे पास

Into of B, right? ये से हमने KF के एफ इसलिए डिनोट किया क्योंकि यह है कॉन्सटेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और सिमिलरली यू हैव रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द बैकवर्ड री यानी कि कॉन्स्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिए रिएक्शन के लिए आपके पास सी प्लस डी आपके रिएक्टेंट होंगे राइट right? हम इसमें कंसेंट्रेशन लॉ ऑफ मासन के हिसाब से हम कंसेंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट्स की लेते हैं रिमेंबर सिर्फ हम कंसनट्रेशन रिएक्टेंस के लेंगे तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आप रिएक्शन को लेंगे तो सी और डी आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे जो फॉर्म कर रहे हैं ए प्लस बी क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है इसीलिए ये दोनों तरफ से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं तो आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के भी आ गया और कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डी और इक्विलिब्रियम में अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन भी इक्वल होंगे तो हमने के एफ इज इक्वल के एफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी इसे रीअरेंज किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया के इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी ये के है आपके पास कॉन्स्टेंट दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट और ये कॉन्सटेंट है कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और कॉन्सटेंट ऑफ बैकवर्ड ड बैकवर्ड डायरेक्शन का रेशो के के एफ अपन के भी आपके पास आया कैपिटल के जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो ये आपके पास एक्सप्रेशन आया इस एक्सप्रेशन को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अब यहाँ पर सी डी ए और बी ये सारी स्पीशीज हमने इनकी कंसनट्रेशन ली है और इनकी कंसेंट्रेशन हमने मोल पर लीटर में ली है पर ऐसे बहुत से चांसेस आते हैं जब आपके पास गैसियर सिस्टम होता है तो गैसियर सिस्टम में आप इस, इन, इसकी कंसनट्रेशन Uh, उनके पार्शल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर इन इन दिस केस आपके पास कंसेंट्रेशन होगी मोल पर लीटर मोल पर लीटर लेकिन अगर आपके पास गैसेस सिस्टम है तो आपके पास एक्सप्रेशन तो सेम रहेगा लेकिन आप कंसेंट्रेशन लोगे पार्शल प्रेशर के टर्म्स में तो आपके पास के पी इसलिए के पी लिया है हमने के पी है आपका जब सिस्टम गैसेस था तो आप प्रेशर पार्शल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे को तो इसलिए के पी लिया है तो पी सी यानी कि पार्शल प्रेशर ऑफ सी रेस्ट टू द पावर सी जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुए उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज योर सी टू द पावर सी एंड पी डी रेस्ट टू पावर डी पार्शल प्रेशर ऑफ डी जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ डी उसका पार्शल प्रेशर रेस्ट टू द पावर उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वैसे ही आपके पास रिएक्टेंट ए और बी के लिए है ये है आपके पास एक्सप्रेशन जब आपके पास आपका गैसियस सिस्टम हमने कंसिडरेशन में लिया हुआ हो जब आपने मोल पर लीटर में लिया तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को के या के सी से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ हम नीचे से सी भी लिख सकते हैं और अगर पार्शल प्रेशर, प्रेशर के टर्म्स में हो तो उसे के पी कहा जाएगा इन दो ये दोनों के पी और के सी सिमिलर नहीं होते इनकी वैल्यू सेम नहीं आती है एंड रिमेंबर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम रहेगा अगर आपने टेम्परेचर चेंज करा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा सेम रिएक्शन के लिए ही ये एक्सप्रेशन जो आए ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है इससे अगर आप किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करें तो वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने कैलकुलेट किया लेकिन अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो आपके पास सेम कंसेंट्रेशन नहीं रहेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तो इस वजह से आपके पास इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट भी चेंज हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी फॉर दिस वी विल अगेन कंसिडर रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन राइट तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जब आप मोल पर लीटर में ले रहे हैं कंसेंट्रेशन तो के सी दिस के सी इज द सेम दैट वी है के एक जगह केस सी ले लिया कि ताकि ये पता चले कि, कि कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर में है राइट right? इस रिएक्शन के लिए आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर लिया था अब एक एक चीज़ और नोट डाउन करें कि जब आप मोल पर लीटर में ले रहे थे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे थे लेकिन पार्शल प्रेशर के, के केस में आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ओपन ये कव या सिंपल ब्रैकेट का यूज करेंगे

तो n upon v आपके पास कंसेंट्रेशन c इज कंसेंट्रेशन, राइट तो आपके पास p इज इक्वल्स टू crtb के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं अब सेम एक्सप्रेशन को आप अलग-अलग केमिकल -अलग, स्पीशीज के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आपके पास रिएक्टेंट a है तो इसे आप इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ a विल बी इक्वल टू तो कंसेंट्रेशन ऑफ a आर टी सिमिलरली फॉर बी यू हैव पी बीजिकल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर टी सेम रियक्शन सेम एक्सप्रेशन से हमने सभी ए बी सी डी जितने भी केमिकल स्पीसी इस रिएक्शन में आ, आए हैं उन सब का पार्शल प्रेशर एक्सप्रेस कर लिया इस सेम इक्वेशन से अब इक्वेशन नंबर टू और फोर से आप केपी को लिख सकते हैं एज कंसेंट्रेशन ऑफ सी आर टी रेस टू द पावर सी के पी वैसे क्या था पार्शल प्रेशर ऑफ़ सी तो पार्शल प्रेशर ऑफ सी को हमने क्या लिखा है कंसनट्रेशन ऑफ सी आर टी के टर्म्स में इसी तरह से आप सी डी ए और बी को लिख सकते हैं तो आपके पास आर टी और यहाँ से आर टी कॉमन बाहर निकाल लिया हमने राइट और डिनोमिनेटर में भी आर टी और आर टी था ये हमने कॉमन निकाल लिया और आपके पास सी रेस टू पावर सी डी रेस टू पावर डी ए रेस टू पावर ए बी रेस टू पावर बी ये आपके पास हमने सेपरेट करके लिख दिया नाउ यू हैव आर टी का टू पावर सी प्लस डी ये आर टी दोनों के पावर है सी प्लस डी राइट तो अब ये सी प्लस डी क्यों हुआ क्योंकि बेस सेम था इन इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है यहाँ पे तो बेस सेम है आर टी यहाँ पर और आर टी आर टी की पावर जो होगी सी और इस आर टी की पावर जो होगी डी तो अगर बेस सेम है पावर मस्ट बी एडेड तो आर रेज टू पावर सी प्लस डी राइट ये बेसिक मैथ्स के में से ही है और नाउ यू हैव सेम बेस आर टी अपॉन आर टी तो पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड राइट right? तो सी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी ये एक्सप्रेशन दिस एंटायर टर्म इज इक्वल टू के सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो आपके पास सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी से कैलकुलेट होता है इसके इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वी हैव नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड अमोनिया इज फॉर्म तो इस रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट जो अमोनिया फॉर्म हुआ इसके नंबर ऑफ मॉलिकल्स दो हैं तो ये, आपके आप पास पास टू माइनस नंबर ऑफ मॉलिकल्स ऑफ रिएक्टेंट एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन तो वन प्लस थ्री टू माइनस फोर वन प्लस थ्री इज फोर तो टू माइनस फोर इज माइनस फोर तो डेल्टा एन इस एक्सप्रेशन में जो डेल्टा एन था वो आपके पास माइनस आया राइट जितने आपके पास प्रोडक्ट में फॉर्म हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स मोलिक्यूल्स उस माइनस रिएक्टेंट के दैट विल गिव यू डेल्टा एन विद दिस यू है नदर टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अब हमारे पास दो टाइप्स हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होमोजीनियस का मतलब जब सेम सेम हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज अगर सारे लिक्विड हैं तो सभी लिक्विड सारे गैसेज हैं तो सभी गैसेज ही होंगे और अगर आपके पास सारे सॉलिड के फॉर्म में है तो सभी सॉलिड के फॉर्म में ही होंगे एंड हीट्रोजीनियस मतलब जब आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अलग अलग फेजिस में है कोई सॉलिड में है कोई गैसेज में है कोई लिक्विड में है अलग अलग फेस हो जैसे यहाँ पे आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास सॉलिड फॉर्म में है लेकिन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में आएगा और जब आप किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन लेते हैं बाय कन्वेंशन वो हमेशा यूनिट यानी कि वन आता है किसी भी सॉलिड या लिक्विड की कंसनट्रेशन एक्सप्रेस करते वक्त ये ध्यान रखें कि वो अपनी प्योर फॉर्म में है या नहीं अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उसकी कंसेंट्रेशन वन हो जाएगी और ये बाय कन्वेंशन है राइट right? अगर आपके पास रिएक्शन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड तो वाटर लिक्विड फॉर्म में ही होता है ये ये प्योर फॉर्म है पानी की तो इसके कंसेंट्रेशन वन ले ली जाएगी तो इस रिएक्शन के लिए आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ एच टू ओ की कंसेंट्रेशन वन हो गई है इसलिए हमने वो यहाँ लिखी ही नहीं अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ मिथेन राइट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पावर टू क्योंकि उसमें इसके दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं पावर टू योर नेक्स्ट टॉपिक इज गो टू दैट टॉपिक राइट डाउन द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिकॉपिक इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड दिस लेक्